हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। चलिए हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन वाला। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही अगर आप हमारे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक, प्रोनाउन वाला। ये जो प्रोनाउन का जो टॉपिक है, ये अदर रिलेटेड जो नाउन वाला टॉपिक किया था हमने, ये उससे ही संबंधित है। क्योंकि जो प्रोनाउन होते हैं, दैट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। और वैसे प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मीन्स फॉर ए नाउन, और मतलब एक नाउन के लिए। क्योंकि नाउन प्रो नाउन, यानी अगर आप प्रो नाउन को थोड़ा डीपली समझे तो ये दो शब्दों से जुड़कर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें नाउन ऑलरेडी आता है, तो इसका मतलब है कि दैट वर्ड, ए प्रो नाउन इज़ ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी एक नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। ये जो नाउन वाला टॉपिक है, इससे हर बार हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस आते ही हैं। सो ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक्स ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये बेसिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। और इससे संबंधित कुछ भी आ सकता है, चाहे वो रेसिप्रोकल हो, कोई भी हो। तो आप इसको मेरे हिसाब से, तो आप लोग इसको हिंदी इंग्लिश के साथ साथ इसको आप हिंदी ट्रांसलेट में भी करके पढ़ें, तो ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो अब चलते हैं, जैसे नाउन के बदले जो प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। यानी मींस साफ सीधे शब्दों में कि जो शब्द सर्वनाम के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ होते हैं, प्रयोग होते हैं, उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम इज़ अ हैंडसम बॉय, ठीक है, राम एक हैंडसम बॉय है। ही इज़ माई स्टूडेंट, मीन्स यहाँ पर राम की जगह हमने ही का यूज़ कर लिया है, दैट इज़ प्रोनाउन। कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आप, जैसे ये सेंटेंस गिवन है, आप इसमें प्रोनाउन बताइए, आप इसमें हेल्पिंग वर्ब बताइए, या फिर आप इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बताइए। तो मतलब ये एक सिंटेक्स भी पूछ लिया जाता है, और अक्सर एग्जाम्स में सिंटेक्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, सब्जेक्ट वर्ब इस तरह। सो सीता इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी लिव्ड विद हर हस्बैंड। तो मीन्स जनरली हम क्या जानते हैं कि जो नाउन के रेपिटेशन को हम रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ये हमें सबको पता है ऑलरेडी, और हमें यही सिखाया जाता है शुरू से कि भी नाउन का रेपिटेशन रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। लेकिन किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता ख़त्म हो जाती है ना? ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब हम वाक्य में एक ही चीज़ यूज़ करते हैं तो वाक्य का जो जो खूबसूरती है, जो उसकी मीन्स है, मीन्स वो एक प्रयोग करने का जो तरीका होता है, अच्छी भी लगनी चाहिए ना लैंग्वेज। क्योंकि जो हमारे शब्द होते हैं, उसी से ही हम दूसरों को आकर्षित करते हैं, चाहे वो हमारा बोलने वाला हो या फिर हमारा वो लिखने वाले शब्द हो। ओके, तो इसलिए इसका जो मुख्य रीज़न क्या है कि जो नाउन के बदले हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यही मेन रीज़न होता है, क्योंकि हम बार बार सेंटेंस में राम राम नहीं यूज़ कर सकते, या फिर जो इसमें सीता गिवन है, बार बार सीता सीता नहीं गिवन कर सकते, तो हम उसकी जगह ही या शी का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो सेंटेंस है वो ईजी भी लगेगा पढ़ने में, और इसका जो जेन्युइन होता है, जो कॉमन सेंस होती है, वो भी बन जाती है। फिर आता है, जैसे ऊपर जो ये एग्जांपल्स हैं, इसमें नाउन के जो रूप में हैं वो कौन कौन हैं? एक तो राम है, एक सीता है, और एक अडोग है, ठीक है। अब लेट अस सी अदर सेंटेंस। जैसे राम सीता अडोग के बदले अगर प्रोनाउन के रूप में ही शी इट का प्रयोग किया गया है, लेकिन लेट मी अटेंड टू दिस कि जैसे एग्जाम्पल नंबर वन है, इसमें राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, नंबर और मैस्कुलिन जेंडर है, और नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। तो ये भी हमें पता नहीं होते कि इसमें आप नॉमिनेटिव केस बताइए
कि वो क्या होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर तो चलो आपको पता ही है कि ये मेल कम्युनिटी है, ठीक है। फिर आता है राम के पर्सन नंबर जेंडर और केस के मुताबिक वाक्य में प्रोनाउन ही का यूज़ हुआ है। ओके, अब आता है एग्जांपल नंबर टू में, जैसे सीता है, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन के बाद सिंगुलर नंबर है क्योंकि ये सिंगुलर है, और फिर ये फीमेल जेंडर है, और एक नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। तो ये इस तरह का नाउन है, और केस के मुताबिक बाद में प्रोनाउन के हमारे शी का जो है वो यूज़ किया गया है। तो इसमें बिल्कुल एक डिटेल में दे रखा है कि हर सेंटेंस में हमें जो प्रोनाउन है वो किस तरह से यूज़ किया गया है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये भी आ जाता है कि इसमें ये कौन सा पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर हम पहचान लेते हैं, मैस्कुलिन जेंडर हम पहचान लेते हैं, लेकिन जो केस होता है कौन सा है, ये नॉमिनेटिव केस है, तो ये हम कई बार रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ए डॉग जो है ए पर्सन नंबर जेंडर केस के मुताबिक इट का यूज़ होता है, बिकॉज एक एनिमल है ये, यानी नाउन के जो पर्सन नंबर जेंडर और जो केस है उसके मुताबिक ही हमें प्रोनाउन का यूज़ होता है। यहाँ तक हमें ये जानकारी मिली है कि नाउन को कैसे यूज़ करना है और नाउन की क्या पहचान है। सो वी मूव टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कि जो टाइप्स कितने होते हैं इसके प्रोनाउन के काइंड्स, जैसे ये इसमें गिवन है, ये होते हैं हमारे 7 प्रकार के मेनली जो होते हैं, तो इनको देख लेते हैं। नंबर 1 पे है पर्सनल प्रोनाउन, यानी पर्सनल मीन्स इन हिंदी पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी इसमें पर्सनल मीन्स, इससे इसके नेम से ही पता चल रहा है कि आई मी वी अस यू ही हिम शी हर इट दे देम। और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये आपको ये दे दिया सेंटेंस में आई मी वी अस, आप इनमें से प्रोनाउन बताइए कि विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज दिस। सो पोजेसिव सेकंड में आता है पोजेसिव प्रोनाउन, जो अधिकार वाचक सर्वनाम होता है, जैसे माइन आवर्स योर्स हिज हर्स और देयर्स। ओके, तो इसमें आ गया कि अधिकार वाचक, यानी अधिकार मीन्स कि ये तो मेरा है यानी माइन है, और दूसरा है आवर और हर्स, मीन्स एक पोजेशन सा आता है, एक दबाव जैसे कि स्थिति बनती है, तो ये पोजेसिव होते हैं। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स दिखाना, यानी संकेत करना किसी की तरफ, जैसे दिस दैट दीज दोज सच द सेम। तो ये जो वर्ड है ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को दिखा रहे हैं। फोर्थ पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी व्यष्टिवाचक, यानी बांटना। ओके, ईच आइदर नाइदर। फिर है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होते हैं, जो संबंध दिखाते हैं पारस्परिक, यानी ईच अदर वन अनदर इस तरह के। फिर है नंबर 6th पे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, निजवाचक। ये वाला जो टाइप है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत बार एग्जाम्स में देखा जा चुका है, जैसे माई सेल्फ आवर सेल्स योर सेल्फ योर सेल्स हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ देम सेल्स और वन सेल्फ। फिर आता है नंबर 7th पे इम्फैटिक, इम्फैटिक और इम्फेसाइजिंग मीन्स दबाव सूचक, जैसे माई सेल्फ आवर सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ या फिर देम सेल्फ या वन सेल्फ का जो इसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। और इसमें जब कर्ता को इम्फेसाइज यानी दबाव या जोर करने के लिए किया जाता है, जब ये इम्फैटिक और या फिर इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं, यानी ये इसका जो यूज़ है एकदम जो सब्जेक्ट होता है उसके बिल्कुल एकदम के बाद होता है, इस ये पहचान है इसकी, और ये बहुत इजी होता है रिकॉग्नाइज करने में। जैसे ही हिमसेल्फ कम्स हियर, कि वो अपने आप ही यहाँ पर आया है। फिर आता है नंबर 8th इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट यानी अनिश्चयवाचक, अनिश्चय मीन्स इसमें जो पर्सन है वो नोन नहीं होता, यानी जैसे एवरीबडी समबडी नोबडी एनीबडी एवरीवन समवन नो वन एनीवन एवरीथिंग समथिंग नथिंग
एनीथिंग ऑल सम एनी बोथ अनदर मच फ्यू लिटल. तो ये जो वर्ड है ये किसी एक स्पेशल पर्सन को नहीं दिखाते, ये कोई मतलब कोई भी एनी बॉडी जैसे हम बोल देते हैं. फिर 9 नंबर पे आता है रिलेटिव. जो रिलेटिव होता है दैट इज संबंधवाचक, यानी हु होम होज और विच, यानी WH फैमिली. फिर आता है नंबर 10 पे इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन्स जो प्रश्नवाचक, यानी हु होम हुज विच व्हाट, यानी जो प्रश्न के लिए प्रयुक्त होते हैं. फिर आता है 11 पे एक्स दैट 11 पे आता है अपना एक्सक्लामेटरी. ओके, वी मूव टू अदर. यस, वी मूव टू 7th 8th एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन. तो इसमें आता है आपका विस्मय आदि बोधक, क्योंकि जो इनके नेम ही है वो ही आगे इसमें एक्सप्लेनेशन है. जैसे व्हाट, व्हाट का प्रयोग, द सेंस ऑफ सरप्राइज, व्हाट मींस जो आश्चर्य का भाव है, यानी उसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो एक्सक्लामेटरी है. तो अब जो जितने भी हमने ये 11 पढ़े हैं हम इनको आगे डिटेल्स में देखेंगे. तो हम फर्स्ट वन की तरफ मूव करते हैं. नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? वे प्रोनाउन जो तीनों पर्सन्स जैसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड में यूज होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. जैसे पर्सन्स यानी पुरुष सिंगुलर और प्लूरल यानी नंबर, एकवचन और बहुवचन. जैसे फर्स्ट पर्सन कौन हो गया इन हिंदी, इसे आपको इन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी व्याकरण का भी साथ ही पता चलेगा. जैसे फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो उत्तम पुरुष होता है, जैसे आई वी. सेकंड पर्सन क्या होता है? जो मध्यम मध्यम पुरुष होता है, यानी यू यू. और थर्ड पर्सन क्या होता है? यानी कोई भी अन्य पुरुष, जैसे ही शी इट और दे. देन फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन में मींस जो वे बोलने वाले स्पीकर का बोध होता है उसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहा जाता है. जैसे इसमें ये टेबल में गिवन है, नंबर है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पोजेसिव केस है. तो ये बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि ग्रामर में यही चीज़ें मेन होती है कि इसमें जैसे ये आपका पोजेसिव केस गिवन है, इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन है. जैसे सिंगुलर है आई मी माई या माइन. तो आपको ये एक कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि डायरेक्ट की विच टाइप ऑफ केस इन दिस, यानी पोजेसिव हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव है या ये पोजेसिव प्रोनाउन है. देन प्लूरल में वी यानी वी अस आवर और आर्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर और दिस इज माई बुक. तो यहाँ पर जो आई है दैट इज फर्स्ट पर्सन, दिस इज माई बुक. तो ये यहाँ पर ये प्रोनाउन है. वी आर अट्रैक्टिव, यहाँ पर वी है. आवर कंट्री इज ग्रेट, यहाँ पर आर है. यू लव मी दैट इज माइन, तो ये पॉजेसिव हो गए. दे हेल्प अस एंड देयर पेंस आर आर्स, यानी ऊपर जो सेंटेंसेस गिवन है उसमें जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं दैट इज प्रोनाउंस और एडजेक्टिव. देन सेकंड वन, सेकंड पर्सन क्या होते हैं? जो सुनने वाले यानी जो ऑडियंस की जब हम बात करते हैं उसका, उस व्यक्ति का बोध होता है उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है. जैसे नंबर में सिंगुलर और प्लूरल हो गया यू, ऑब्जेक्टिव केस में यू, और जो पोजेसिव केस आता है इसका योर योर्स, योर और योर्स. मीन्स ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम ही रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है. जैसे यू आर लेबोरियस, आई लव यू, दिस इज योर बुक्स, दिस बुक इज योर्स एंड दिस इज योर बुक. मीन्स सारी ही परिस्थितियों में जो सेंटेंसेस में दिए गए हैं वो सेम है और वो सेकंड पर्सन है और एडजेक्टिव या प्रोनाउन है. देन वी मूव टू थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन क्या होते हैं? वे प्रोनाउन जिससे वैसे व्यक्तियों वस्तुओं का बोध होता है या फिर उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो थर्ड पर्सन होता है. जैसे थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर और प्लूरल, जैसे
ही दैट इज मैस्कुलिन एंड शी दैट इज फेमिनिन एंड इट दैट इज न्यूट्रल। ये अभी अभी हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था जो न्यूट्रल न्यूट्रल जेंडर होता है। तो देन ऑब्जेक्टिव केस हिम हर इट देन दैट इज ऑब्वियसली अंडरस्टूड कि हिम जो है ही के लिए यूज होगा, हर शी के लिए और इट इट ही रहता है। देन पोजेसिव केस, पोजेसिव में आपका एडजेक्टिव और प्रोनाउन दैट इज हिज हिज हर हर्स इट्स इट ही रहता है। देन पोजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है इसका। देन देयर और देयर्स, जैसे ही लव्स यू, शी हेट्स मी, यू एडमायर हिम, डू यू लाइक इट, मीन्स ये इसी तरह ये आगे सारे ये गिवन हैं। जैसे दिस फ्रॉक एयर्स, डू यू नो देन, दे आर रीडिंग दिस, द वेल आर देयर्स, दिस आर दे आर नॉट बुक्स एंड दिस बिल्डिंग इज हिज। यानी ऊपर जो सेंटेंसेस गिवन हैं उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है दैट आर थर्ड पर्सन और एडजेक्टिव्स। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। देन नेक्स्ट द अब इसका देख लेते हैं कि इनके यूजेस कैसे होते हैं। यूज ऑफ प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस, तो जैसे इसका नंबर वन रूल है कि यदि किसी सेंटेंस के वर्ब में सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज हो, जैसे ही एनसी हेयर इज नॉमिनेटिव केस, ही वेंट टू जॉर्जिया जाजोर लास्ट मंथ, him his went to Jajor last month, यानी him नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा p जो pronoun है that is they come here by train and their theirs come here by train। तो इसमें यहाँ पर error है, यहाँ पर आपका they आएगा, ना ही ना them ना their, ठीक है। तो ये इस तरह nominative case इसमें use होगा प्रोनाउंस में। देन सेकेंड वन, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दो या दो से अधिक प्रोनाउन किसी कंजक्शन मीन्स एंड और आदि से जुड़कर प्रयुक्त हो दैट इज नॉमिनेटिव केस, ठीक है। ये नॉमिनेटिव, जैसे यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें मोस्टली हमें फिलिप्स में देखने को मिलते हैं इस तरह के। जैसे यू एंड हिम वर गुड फ्रेंड्स, तो अगर आपका जैसे एरर दिया वो कि आप इसमें एरर देखिए, तो यहाँ पर यू एंड ही आएगा दैट इज़ नॉमिनेटिव केस, और दोनों में इनमें ओ और यही दे रखा है, लेकिन एक इसमें एनसी वाला आएगा। देन यू ही एंड आई वर आर क्लेवर, और ये टॉपिक हम कर चुके हैं सिंटेक्स वाले में कि जैसे यू ही एंड आई की ये हमें क्या कंसिडर करना है, प्लूरल कंसिडर करना, क्योंकि ये एक कंजक्शन से ऐड है। देन यू हिम एंड मी आर क्लेवर, तो ये इसमें रॉन्ग है, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का यूज नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट वी मूव टू थर्ड वन, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, यानी कोई वर्ब का अगर सब्जेक्ट हो तो नाउन एक और प्रोनाउन कंजक्शन और या आदि से जुड़कर यूज हुआ है तो नॉमिनेटिव, तो सॉरी प्रोनाउन जो है वो नॉमिनेटिव केस में यूज होगा। जैसे करिश्मा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे, यानी मैं और करिश्मा हर रोज कॉलेज जाते हैं, करिश्मा एंड मी, तो यहाँ पर आपका जो है वो नॉमिनेटिव केस यूज होगा, आई यूज होगा, ओके। देन आता है रूल नंबर फोर, टू बी, टू बी का जो प्रयोग है वो इन्फिनिटिव के रूप में होता है और इसका कोई संबंध सब्जेक्टिव नहीं, और इसके बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी ही, ठीक है, आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी ही, तो ये इसकी राइट फॉर्म है। तो इसमें देख लीजिए, आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी हिम, यानी मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए या हो। तो और हिम हिम मीन्स ये किसे दर्शाता है, ये ही के दो फॉर्म हो गए हिज या हिम, तो ये इन्फिनिटिव को दर्शाता है, लेकिन क्योंकि ये इन्फिनिटिव में है तो ही आएगा यहाँ पर, नॉट हिम,
नॉमिनेटिव केस जब हमें यूज़ करना है। देन रूल नंबर फाइव, रूल नंबर फाइव, जैसे बी, जैसे बी इस तरह के जो ये बी वाले सेंटेंस है, टू बी वाला था अभी ऊपर और ये बी वाला है, जैसे बी के जो प्रेजेंट फॉर्म में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं और पास्ट फॉर्म में हम वॉज वर यूज़ करते हैं और परफेक्ट फॉर्म में हम हैज़ हैव बीन, तो इससे पहले जो अगर नाउन यूज़ होते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस में हो तो जो प्रोनाउन है वो भी नॉमिनेटिव ही केस यूज़ होगा। मीन्स जैसे इट इज़ आई एंड इट इज़ मी, इट इज़ ही, इट इज़ हेम, और ये चीज़ जो है ये हम स्पीकिंग फॉर्म में भी यूज़ करते हैं कि इट इज़ आई नॉट इट इज़ मी। और जैसे बी, जैसे ये इज एम आर और जो ये वर्ड गिवन है यहाँ पर जो हु विच, और अगर इसमें हु विच दैट ये जो क्लॉजेज हों तो इनमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन का यूज़ होता है। तो ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि आप इसमें रिलेटिव प्रोनाउन बताइए, इसमें नॉमिनेटिव केस बताइए। जैसे इट इज़ आई हु हैव हेल्प्ड यू, तो इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है या फिर आपका जो नॉमिनेटिव केस कौन सा है और या फिर प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन तो आपको अच्छे से पता चल जाता है कि यहाँ पर आई हैं, लेकिन जो रिलेटिव है दैट इज़ हु, क्योंकि इससे ये ऐड हुए हैं इट इज़ मी, तो यहाँ पर आपको नॉमिनेटिव यूज़ करना है और जो नॉमिनेटिव है दैट इज़ आई। नेक्स्ट में है इट इज़ ही हु हैज़ स्टॉलन माई पेन, कि यह वह है जिसने मेरा पेन चोरी किया है। इट इज़ हिम, क्योंकि हिम नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर नॉमिनेटिव आएगा हु हैज़ स्टॉलन माई पेन। सेकेंड है इसका टू बी का जो यूज़ है वो इन्फिनिटिव के रूप में हो, तो इससे पहले जो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो, क्योंकि जो यहाँ पर ये ओ सी है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव केस, तो इसके बाद जो यूज़ होने वाला नाउन और प्रोनाउन है दैट इज़ ओ सी यानी ऑब्जेक्टिव केस में। ये आप अंडरस्टूड करिए कि दैट इज़ ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ओ सी। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। आई नो द मैन, आई नो द मैन टू बी हिम, तो यहाँ पर ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये ओ सी में दिए गए हैं, ओ सी मीन्स ऑब्जेक्टिव केस में दिए गए हैं। तो आई थिंक आपने अभी तक यहाँ पर इसका डिफरेंस देख लिया है कि जो नॉमिनेटिव है वो मेन थीम में आता है और ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इसका नाम ही ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्टिव थीम में आएगा। जैसे आई नो द मैन टू बी हिम, आई नो द मैन टू बी ही मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे सेकंड में जैसे ही का हिज बनता है, हिम बनता है, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया और ही खुद नॉमिनेटिव हो गया। तो ये इनका डिफरेंस है यहाँ पर। देन नेक्स्ट रूल नंबर सिक्स, यदि किसी वर्ड के अपोजिशन के रूप में एक या एक से अधिक प्रोनाउन का यूज़ हो तो वह वर्ड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे द टू ऑफ अस ही एंड आई मीन्स हम दोनों डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल, और इसका एरर क्या है द टू ऑफ अस हिम एंड मी, तो यहाँ पर ओ सी दे दिया है तो यहाँ पर एन सी आएगा यानी नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस की जगह, तो ये इसमें एरर है। जैसे दी सेंटेंसेस इट इज़ मी हु आई एम गिल्टी, तो ये ओ सी में है तो ये रॉन्ग है, इट इज़ आई ये एन सी में है, इट वाज देम हु वर टू बी ब्लेम, तो ये ओ सी में गिवन है क्योंकि यहाँ पर देम है तो इट वाज दे। तो इस तरह से आपने अपने एग्जांपल्स करने हैं। जैसे आई गेस द वमेन टू बी शी, तो ये आई गेस द वुमेन टू बी हर, तो ये नॉमिनेटिव है और लेकिन ये ओ सी में देखना है कि इसमें सेंस क्या बन रही है सेंटेंस की। जैसे इट इज़ अस हु हैव बीन हेल्प्ड यू, तो ये ओ सी में गिवन है आपको तो आपने यहाँ पर एन सी वाला यूज़ करना है। देन नेक्स्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस,
कि जब अभी तक हमने एनसी वाला किया था जो नॉमिनेटिव केस होते हैं, तो अब हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज होता है, कि यदि सेंटेंस के जो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ गया उसी, माई ग्रैंडफादर टोल्ड आई ए स्टोरी, मीन्स इनका सबसे अच्छा तरीका क्या याद है करने का, क्योंकि एन सी और ओ सी दोनों अपोजिट फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर ओ सी के जो एरर करना है, तो वहाँ पर एन सी गिवन है आपको, यानी नॉमिनेटिव, मीन्स आई थिंक आप समझ रहे हैं कि एन सी मीन्स नॉमिनेटिव और ओ सी मीन्स ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ पर देख लीजिए, आई टीच देम, मैंने उनको पढ़ाया, आई टीच देयर या दे, तो यहाँ पर एन सी का यूज रॉन्ग है। देन इसका सेकेंड रूल, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में दो या प्रोनाउन, ये सेम ही है, बस इसमें ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, तो कंपैरिजन करके भी इसको याद कर सकते हैं, तो जुड़कर अगर यूज होते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, जैसे माई फादर फॉरबेड यू एंड मी, तो ये आई थिंक ये कॉमनली अंडरस्टूड है कि माई फादर फॉरबेड यू एंड आई, तो मेनली ये वाक्य के जो शुरू में यानी नॉमिनेटिव केस में यूज होता है, ये वाली टिक, तो ये ओसी में यूज नहीं होगी। द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड मी टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम, द प्रिंसिपल अलाउड शी एंड आई, तो ये नॉमिनेटिव केस हैं दोनों, तो यहाँ पर ओसी का यानी ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। देन थर्ड वन, यदि किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन तथा प्रोनाउन किसी कंजक्शन एंड और नॉर आदि से जुड़कर यूज हुए हैं, तो वह नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जैसे हर मदर इनवाइटेड रमन एंड मी टू लंच, यानी उसकी मदर ने रमन और मुझे बुलाया, हर मदर इनवाइटेड रमन एंड आई, तो ये नॉमिनेटिव केस यूज है यहाँ पर, क्योंकि ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर मी आएगा, ही सेव्ड वीना एंड मी, उसने मुझे और वीना को बचाया, ही सेव्ड वीना एंड आई, तो जो भी नॉमिनेटिव केस है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है मोस्टली, तो ये पहचान होती है इनकी। सो आई थिंक आपको ये रूल्स समझ आ गए होंगे, आई होप दिस रूल्स आर क्लियर टू यू, सो लर्न दिस बाय हार्ट, सो थैंक यू सो मच।